हेलो एंड वेलकम एमएसएल की पाठशाला में आपका स्वागत है। तुम सिंह बनो सिंहासन की क्यों चिंता करते हो, तुम सिंह बनो सिंहासन की क्यों चिंता करते हो, तुम जहां बैठोगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा, वही तुम्हारा सिंहासन होगा। लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी होगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्लास 9 प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअली में यह क्वेश्चन नंबर 2 न्यू एडिशन के तहत क्वेश्चन नंबर 1 है, जो नया बुक अभी लॉन्च किया है एनसीईआरटी, उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 2 को 1 बना दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अभी चेंज हो गया, बुक मार्केट में नहीं है, फिर भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ये आपको प्रश्न संख्या 1-2 दिख रहा, ये ओल्ड बुक के अनुसार एनसीईआरटी की पुरानी बुक, लेकिन न्यू बुक के अनुसार ये क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान रखेंगे। आकृति दिया हुआ है, अभी ए बी समांतर है, ए बी जो रेखाखंड है वह समांतर है सी डी का, और सी डी किसका समांतर है, ई एफ का। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां कोई एंगल मान लेना होगा, ये एंगल मान लीजिए इसको पी, कोई भी एंगल मान सकते हैं, 1 पी क्यू जो मर्जी। तो चलिए वाई और जेड अनुपात में दिया हुआ, आप जानते हैं कि जैसे ही अनुपात की बात होती है तो लिखते हैं माना कि अनुपात बराबर क्या एक्स नहीं मानेंगे, क्योंकि एक्स दिया हुआ है, तो के मान लीजिए, जेड मान लीजिए, जेड भी नहीं मान सकते दूसरा कोई, माना कि अनुपात बराबर k, इसलिए क्या हो जाएगा, वाई बराबर हमारा हो जाएगा 3k, तथा जेड बराबर क्या होगा 7k, 3k और 7k आ गया। अब चूंकि एकांतर कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, चूंकि ऐसा भी लिख सकते हैं अंतर एकांतर कोणों का योग बराबर क्या होगा 180 डिग्री, इसलिए यहां एंगल पी है, एंगल जेड है, एंगल पी प्लस एंगल जेड बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। या अगर एंगल नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, पी प्लस जेड बराबर 180 कर दीजिए, और P का वैल्यू कितना भाई नहीं पता, निकालना है P प्लस Z का वैल्यू नहीं पता, लेकिन यहां दिया हुआ है, यहां पे एक त्रुटि होगी आपसे भी, जैसे हमसे चूक हो रही थी, लेकिन मैंने बचा लिया। क्या है कि ये ध्यान रखिएगा कि एंगल या P और Y जो है शीर्षाभूमि कोण की वजह से बराबर है, तो यहां अगर आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, और नहीं तो इसके नीचे, या चूंकि शीर्षा लिखा शीर्षा भी मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, शीर्षा भी मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल पी या पी बराबर वाई बराबर कितना 3k। ये यहां अगर नहीं कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, यहां आपको कर लेना पड़ेगा, चूंकि करके लिख लीजिएगा, चूंकि p बराबर y बराबर 3k, वहां भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहां कर लीजिएगा, तो इससे आसानी होगा आपको आंसर आने में। p कितना है भाई तो 3k है, z कितना है 7k है, बराबर 180 डिग्री। अब जोड़ दीजिए तो आएगा 10k बराबर 180 डिग्री, इसलिए k बराबर कितना 180 डिग्री बटा 10, 10 दें 10 10 में तो एक एक जीरो कट गया, 18 आया, आगे k का मान 18। अब इस 18 की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, y और z का मान निकाल लेंगे, यहाँ इरेज करते हैं, इसको हटा दिया, और हम लोग लिखेंगे इसी में, ये स्टेप में बढ़ाते हैं, इसलिए
y बराबर क्या है 3k, तो हम लोग लिखेंगे 3 × 18, तो क्या हो जाएगा 18 × 54 और तथा z बराबर क्या है z बराबर 7k, तो 7 × 18 126। ये आ गया हमारा z का। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, y और z निकालिए, तो अब हमें कुछ भी पूछे से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बोला है x का मान निकालिए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एकांतर कोण क्या होता है, चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या x बराबर z बराबर कितना 126, ये रहा आपका आंसर। समस्याओं का ना पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्याओं की खोपड़ी में छेद करना पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्या आएगी आने दीजिए, बस आपको तब तक एक काम करना है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वैसे विद्यार्थी जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।